एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। करेंगे आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पाठ गिल्लू का अध्ययन करेंगे, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और पाठ पढ़ाने के बीच में हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, तो जिससे मैं प्रश्न पूछूंगी वही उत्तर देगा। तो अटेंटिवली आप बात को सुनिएगा। आपने इससे पूर्व महादेवी वर्मा द्वारा रचित कौन सा पाठ पढ़ा है? पुष्कर, कौन सा पाठ पढ़ा है हमने इससे पहले? आज हम गिल्लू पाठ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने कौन सा पाठ पढ़ा है क्लास सेवेंथ में? नीलकंठ। ठीक है। महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम करती थी और उनकी एक आप उनकी रचनाएं पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसी के संदर्भ में उनके पशु पक्षी प्रेम के को बखान करती हुई एक और कहानी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भैया ध्यान से सुनिएगा। सोनजुही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजुही एक पौधे का नाम है जिसमें पीले रंग का पुष्प खिलता है। इसे देखकर अनायास यानी अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। किस जीव की याद आई महादेवी जी को? एक छोटी सी गिलहरी की, जो इस लता की सघन हरितिमा यानी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही मेरे कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। तो जब गिल्लू जीवित था, तब जब कभी वह महादेवी वर्मा जी को आसपास उनके ऊपर आकर चौंका देता था, तो वो कहती है उस समय मैं फूलों को चुन रही होती थी, फूलों की तलाश में होती थी, फूलों को देख रही होती थी, लेकिन आज जब गिल्लू नहीं है तो मुझे उस लघु प्राण की खोज है। यहाँ लघु प्राण से आशय है वही छोटी सी प्यारी नन्ही गिलहरी। ठीक है, यहां तक बात समझ आए? सभी को क्लियर हुआ? एक छोटी सी गिलहरी के बारे में है ये पाठ, ये कहानी महादेव वर्मा जी की स्मृतियों में चलती है। वर्तमान में जब वो कहानी लिख रही हैं, उस समय वह गिल्लू उनके जीवन में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब गिल्लू था उस समय की अपनी यादें अपनी स्मृतियां महादेवी जी ने हम सबके साथ साझा की है। यहां आप ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से जब कुछ याद करते हुए एक सजीव सा चित्र उपस्थित करते हुए कुछ लिखा जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं और संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्मरण। तो रेखा चित्र और संस्मरण दो विधाएं होती है। तो यहां क्योंकि महादेवी जी ने याद करते हुए लिखा है, तो यह रचना एक संस्मरण है, परंतु वह तो अब तक इस सोनजुही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। आज सोनजुही में जो फूल खिले हैं उन्हें देखकर महादेवी को ऐसा लगता है जैसे न जाने किस पुष्प के रूप में खिलकर वह गिल्लू मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि महादेवी जी ने उसके मृत शरीर को सोनजुही के पौधे के नीचे ही दफन कर दिया था। उन्होंने उसके गिल्लू को मृत्यु के बाद कहां दबा दिया था उसके शरीर को? इसी पौधे के नीचे मिट्टी में, ठीक है? इस कारण महादेवी को पीले पीले सुंदर फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये फूल ना हो गिल्लू मुस्कुरा रहा हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुअल आप जानते हैं कौन सा गेम जिसे आप
क्या कहते हैं? पकड़ाई क्या कहते हैं? पकड़म पकड़ाई पकड़म यस, पकड़म पकड़ाई। पकड़ाई हाँ, पकड़म पकड़ाई, छुआछाई, ठीक है, जिन भी नामों से आप जानते हैं। तो छुआ छोवर का खेल खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी किसे कहा? कौवे को। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित और अनादरित होते हैं, अति सम्मानित और अवमानित होते हैं। इस बात का क्या आशय है, समझ लीजिएगा। कौवे को क्या कहा? कौवे को हम आदर की दृष्टि से भी देखते हैं और अपमान की दृष्टि से भी देखते हैं। यदि कौवा अचानक से आकर हमारे घर पर छत पर बैठ जाए और काव काव करता है, तो हम क्या करते हैं? उसको भगाते हैं। कितनी बुरी आवाज कर रहा है ना, ऐसा सोचे भगाते हैं उसको। लेकिन जब पितृ पक्ष आते हैं, आपको पता है पितृ पक्ष क्या होते हैं? जब हमारे यहाँ है ना घरों में श्राद्ध होते हैं, जब श्राद्ध होते हैं तब क्या होता है? ढूंढते हैं कौओं को, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज कौओं के रूप में आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। इज इट क्लियर? तो तब हम इन्हें कैसी दृष्टि से देखते हैं? आदर की दृष्टि से। और पितृ पक्ष के बगैर बेचारे आते हैं, तब उन्हें भगा देते हैं। तो पितृ पक्ष में तो ये हमारे पूर्वज हो जाते हैं, और वरना ये अपमान के कारण बनते हैं। इनकी कर्कश वाणी कभी तो हमें अपने किसी प्रिय के आने की सूचना देती है, और कभी कभी इनका बोलना हमें अशुभ लगता है। तो ये कौवा विचित्र प्राणी है। उन्होंने कहा विचित्र है ये काकभुशुंडी, कभी कभी आदरित होते हैं और कभी कभी ये अपमानित भी होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौवा कैसे समादरित भी है और अनादरित भी है, तो कौवे की कर्कश वाणी किसी को प्रिय नहीं लगती। कर्कश वाणी को सुनकर हम कौओं को भगाने की चेष्टा करते हैं, अतः हम इनका अनादर करते हैं। लेकिन जब यही कौवे पितृ पक्ष में आते हैं, तो हम इन्हें अपने पूर्वज के रूप में सम्मान देते हैं और इन्हें भोजन अर्पित करते हैं। क्लियर? यस हमारे मैम, बेचारे है ना, अब हम क्या मानते हैं? हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आते हैं, ना मयूर के रूप में आते हैं, ना हंस के रूप में आते हैं। हमने ऐसा मान रखा है कि उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर अवतीर्ण होना पड़ता है। यानी अवतीर्ण होना, उपस्थित होना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूर बैठे हुए प्रियजन अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम कोए की काय काय करने की या काव काव की आवाज को बुरे अर्थ में भी ग्रहण करते हैं। समझ आया? सम्मानित कब है? जब पितृ पक्ष में आते हैं पूर्वजों के रूप में। सम्मानित कब है? जब किसी प्रिय के आने का संदेश देते हैं। अपमानित कब है? जब अनावश्यक ही काव काव की आवाज करते हैं। ठीक है, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई। महादेवी वर्मा अभी कौए के बारे में सोच ही रही थी, तो एक बीच में उनको एक इंटरफेरेंस हुआ, एक बाधा आ गई। क्योंकि गमले और दीवार की संधि, जहां गमला रखा था वहां, और दीवार की संधि माने के बीच में एक छोटा सा जीव उन्हें दिखाई दिया। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। ठीक है, एक घायल गिलहरी पड़ी है और कौए सोच रहे हैं क्यों ना हम इसे अपना आहार बना लें, क्यों ना हम सब मिलकर इसको खा लें। काक द्वे कि दो दो चोचों के दो घाव। यहाँ पर काक द्वे का मतलब है दो कौए। दो कौए, दो कौए मिलकर उसे खा रहे थे, खाने का प्रयास कर रहे थे, और उनकी चोंच से बेचारे छोटे से प्राणी के शरीर में दो घाव हो गए थे। अतः वह निश्चेष्ट, निश्चेष्ट माने
मूर्छित, वह मूर्छित सा गमले से चिपका हुआ पड़ा था। सबने कहा, कोई की चोंच का घाव लगने के बाद अब यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से उसका रक्त पोंछा और उसके घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक क्या समझ आया बताओ प्रज्ञा, इन शॉर्ट क्या समझ आया आपको? मैम की जो महादेवी जी थी वो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती थी, और उन्होंने एक कौवे का विवरण भी किया था, और उसके बाद उन्हें एक छोटे से गिलहरी का बच्चा दिखा, तो उनकी पशु पक्षी की वो ममता आ गई, तो फिर उन्होंने उसको देख के उसकी मरहम पट्टी ली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। अब आगे का सुनिएगा, ठीक है। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें इधर उधर ढुलक गईं। क्योंकि गिलहरी का बच्चा घायल था, महादेवी ने कोशिश की उसे दूध पिलाने की। अब कैसे दूध पिलाएं, वो कटोरी गिलास या चम्मच से तो पी नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रुई को दूध में डुबोया और धीरे धीरे से उसकी बूंदें गिलहरी के बच्चे के मुंह में डालने की कोशिश की। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, है ना, इतना बढ़िया, एकदम निश्चिंत हो गया वो, कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अर्थात गिलहरी का बच्चा स्वस्थ हो गया। 3-4 महीने में, तो मास मन महीने में, उसके स्निग्ध, स्निग्ध माने चिकने, रोए मन रुए, जो उसके शरीर पर बाल थे ना चिकने चिकने, झब्बेदार पूंछ यानी घनी घनी पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब बताओ, मैम विस्मित मतलब नहीं, डराना नहीं, आश्चर्यचकित करना, ठीक है। चौपानी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस पूजे, चौंकाने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, कोई बताएगा? पूरे ग्रुप का नाम मैम, जो पूरी पूरी जाति का वर्णन बताती है। जाति का बोध कराने वाले, है ना, यस, वेरी गुड दामिनी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? मैम, जो किसी एक व्यक्ति के बारे किसी में एक बताती का है। विवरण करने वाले राघव, किसी एक को जो राघव है आप उसका बताएंगे, नाम के साथ। राघव बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। राघव आप क्लास में हो? अच्छा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। जानवी आप हैं? जानवी, मैम कैन अभी हम कोशिश करते हैं, जानवी हैज लेफ्ट द मीटिंग, कोई बात नहीं। अच्छा, किंजल साहू, मैम जो किसी एक व्यक्ति के व्यक्ति का बोध कराए, मतलब उसके बारे में बताए। उसका नाम है ना। हाँ, नकुल आप बताएं, आप क्या बताना चाह रहे थे? मैम, जो मैम किसी मैम मैम एक मतलब पर्सनल चीज का बोध कराती हो मैम, जैसे कोई जगह का नाम, कोई व्यक्ति का नाम। यस, नामवाचक, है ना। जैसे अभी हमने कहा विद्यार्थी, कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स। लेकिन जब मैंने कहा नकुल, रोमिशा, प्रज्ञा, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से बुलाना, है ना। तो हमने क्या किया, माँ देवी कहती हैं कि हमने जो गिल्लू का जो जातिवाचक संज्ञा थी यानी गिलहरी, उसको हमने व्यक्तिवाचक में बदल दिया। क्या कहने लगे हम उससे? गिल्लू वैसे गिल्लू गिलहरी, गिलहरी कहते ही
आपके आंगन में, आपकी छत पर, आपके विद्यालय में, कहीं पर भी आपको जो भी गिलहरी घूमती हुई दिखाई देती है वो सब क्या है? गिलहरी। लेकिन जैसे ही बोला गिल्लू, तो गिल्लू कौन? महादेवी वर्मा द्वारा पाली गई, प्यार से रखी गई एक गिलहरी का नाम। अब जरूर ऐसा होगा कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद कहीं पर कोई गिलहरी देखेंगे तो आपको गिल्लू की याद आ जाएगी। ठीक है, तो आगे सुनिएगा। व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने के लिए एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। क्यों लटका दिया? जिससे गिल्लू को कोई और जानवर ना खा जाए, उसकी सुरक्षा के लिए। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूमता, अपनी कांच के मनको जैसी आंखें, यानी मन के माने मोतियों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर जाने क्या क्या देखता समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। क्या करता था गिल्लू? धीरे से महादेव वर्मा के पांव को छू जाता था, अपनी उपस्थिति का एहसास कराता था और फिर तेजी से पास में लगे पर्दे पर चढ़ता और उतरता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, लघुगात माने छोटा शरीर, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता। यानी महादेवी वर्मा कुछ लिख रही होती थी, कुछ काम कर रही होती थी, तो देखो कितना अजीब सा, कितना प्यारा सा था वो। एनवलप में ही बैठा रहता था, लिफाफे में बैठा, अपना मुंह बाहर निकाले, 2 पंजे बाहर निकाले, अपनी स्वामिनी को बड़े प्यार से देखता रहता था वो। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, अपनी आवाज निकालता था वो और कहता था मुझे भूख लग रही है। तो महादेवी वर्मा उसे क्या खिलाती थी? काजू या बिस्किट। ये 2 चीजें अगर वो लाती थी तो लिफाफे से बाहर आता, पंजों से पकड़कर बड़े प्यार से बिस्किट और काजू खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, माने गिल्लू के जीवन में खुशियों का समय आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी, हौले हौले धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहती, यानी गिल्लू से मिलने के लिए और गिलहरियां आने लगी थी। मैंने गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि अब इसे थोड़ा सा आजाद कर देना चाहिए, थोड़ा है ना मुक्त कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इस रास्ते से गिल्लू बाहर जाता और सच में उसने मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले हुए कुत्ते बिल्लियों से बचाने की भी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे सिर से पैर, मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से यह नित्य का क्रम हो गया था। क्या क्रम हो गया था? कि वो जाली वाले रास्ते से बाहर जाता और अपने मन के मुताबिक घूम घाम के वापस आ जाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की को की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड के साथ नेता बनकर, ना कैसे घूमता था वो? नेता बनकर सब उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। नेता बनकर कूदता फांदता और ठीक 4 बजे जैसे ही
महादेवी वर्मा के घर में आने का समय होता, खिड़की के रास्ते अंदर आ जाता और बढ़िया से अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में छुप जाता और कभी सोनजुई की पत्तियों में छुप जाता। क्यों छुपता था बताओ, वो क्यों करता था ऐसा? मैं उन्हें डराने के लिए, चौंकाने के मैम लिए, चौंकाने के लिए ना, उनको सरप्राइज देने के लिए, उनको मैम, चौंकाने लेखक को चौंकाने के लिए। ना, लेखिका को चौंकाने के लिए कि ढूंढो मैं कहाँ हूँ, है ना। और लेखिका डर जाती थी, उनको लगता था अरे कहीं किसी बिल्ली ने तो नहीं खा लिया, कहाँ चला गया। तो वो बेचारी बेचैन सी होके ढूंढती थी उसको। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को, किसी भी, इतने सारे पशु पक्षी पाले थे, किसी भी पशु पक्षी की हिम्मत नहीं थी जो महादेवी वर्मा की थाली में से खाना खाए, है ना। लेकिन गिल्लू क्या करता था, महादेवी वर्मा के साथ खाता था। जब वो खाना खाने बैठती थी तो आपने गिलहरी को तो खाते हुए देखा ही है, गिलहरी कितने प्यार से खाती है दोनों हाथों में लेके, है ना। तो गिल्लू इसमें अपवाद था, अपवाद माने और लोगों जैसा नहीं था वो, और पशु पक्षियों जैसा नहीं था। जैसे ही मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में ही जैसे बैठना चाहता था। बड़ी कठिनता से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया कि भैया थाली के अंदर नहीं बैठो, बाहर बैठो। उसे बाहर बैठना सिखाया और मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाया। काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाद्य मन भोजन था। कई दिन काजू न मिलने पर अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था, या फिर सोचो कितना कितना माधवी वर्मा का लाडला था, बाकी चीजों को फेंक देता था। नहीं खाना, काजू ही चाहिए, तो स्पेशली उसके लिए काजू लाने पड़ते थे। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच क्या हुआ, माधव वर्मा का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से वापस उसी घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, सबको पता था वो काजू खाएगा, सब उसको काजू दे के आते थे। परंतु जब महादेवी वर्मा अस्पताल से लौटी और उन्होंने जब झूले की सफाई की तो देखा कि सारे काजू ऐसे के ऐसे रखे थे। गिल्लू ने दुख में एक भी दिन उनके बिना खाना नहीं खाया। मेरी अस्वस्थता से मैं जब बीमार थी और जब घर आ गई थी तो उनके तकिए पर सिरहाने बैठ जाता था और महादेवी वर्मा के सिर पर उनके बालों में अपने छोटे छोटे पंजों से हाथ फेरता रहता। जैसे माँ बच्चों को लाड़ करती है ना, ऐसे गिल्लू महादेवी वर्मा के सिर पर अपने छोटे छोटे पंजों से हाथ फेरता था। उस घटना को जब महादेवी वर्मा याद करती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे गिल्लू एक परिचारिका हो, परिचारिका बीमारी के समय सेवा करने वाली सेविका। तो भले वो एक छोटा सा जीव था, छोटी सी गिलहरी, लेकिन महादेवी वर्मा की अस्वस्थता के समय जिस तरह से गिल्लू ने उनका ध्यान रखा, जैसे उनको प्यार किया, उनको सहलाया, तो महादेवी को लगा जैसे वह एक सच्ची सेविका है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता न झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक नया उपाय ढूंढ लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। सुराही आप जानते हैं ना, पहले छोटी छोटी सुराहियां चलती थी, तो महादेवी वर्मा उसमें अपने पीने के लिए पानी रखती थी। तो बड़ा चालाक था वो, उसको गर्मी ना लगे तो सुराही पर ही बैठ जाता था, उसको ठंडा ठंडा लगता था, सुराही पर ही लेट जाता था। इस प्रकार मेरे पास भी रहता और ठंडक के मजे भी लेता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया, रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया। अंत की यातना यानी जब उसका अंतिम समय आया, तब उसे जो कष्ट हो रहा था, उस कष्ट के बावजूद भी वो अपने झूले से
से उतरकर जब महादेवी वर्मा सो रही थी उनके बिस्तर पर आया और उसके ठंडे ठंडे पंजों से उसने महादेवी वर्मा की वही की उंगली पकड़ी और उनसे चिपक गया, जिसे वो बचपन में उसने तब पकड़ा था जब वो मरने वाला था, जब महादेवी ने उसके प्राणों को बचाया था उस समय उसने महादेवी वर्मा की उंगली को जिस तरह से पकड़ा था वैसे ही अपने ठंडे ठंडे पंजों से उसने फिर महादेवी वर्मा की उंगली को पकड़ लिया। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया, उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की किरण के स्पर्श के साथ ही यानी सुबह होते ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी उसका किल्लू वाला जो जीवन था वो समाप्त हो गया। अब शायद वो कहीं और किसी और रूप में जन्म लेगा। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है, खिड़की की जाली भी बंद कर दी है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास आकर चिक चिक करती रहती है और मुझे सोनजूही पर बसंत और सोनजूही के जो पौधा है उसमें फूल खिलते ही रहते हैं। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई इसलिए भी कि उसे सोनजूही अत्यंत प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात उस छोटे से प्राणी का किसी बासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल आने का मुझे विश्वास है। यानी महादेवी वर्मा को ऐसा लगता है कि जब जब सोनजूही में फूल खिलते हैं गिल्लू की उपस्थिति का उन्हें एहसास होता है, गिल्लू के ना होने पर भी। इज इट क्लियर सभी को? कहानी समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इस पाठ में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन्हें आप लिख लेंगे, हम निशान लगा लीजिए कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, आठवां। ठीक है, ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। एक बार रोमेशा आप रिपीट कर दीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां और आठवां। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, सभी बच्चे लिखिएगा, समझिएगा और कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पूछिएगा। क्लियर? ठीक है, अगली क्लास में अब हम पुनरावृत्ति के आधार पर प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। आर्ची, नकुल और रोमिशा। मैं पुष्कर। पुष्कर, ओके। आर्ची, नकुल एंड पुष्कर। ठीक है, आप प्रश्नोत्तर पूछेंगे, बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस तरह से हम अपने पुनरावृत्ति और कौन कौन से चैप्टर ले रहे हैं हम? नकुल, चैप्टर धूल और रैदास। धूल और रैदास, रैदास के है ना प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, ओके। साई राम, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम। साई राम मैम। साई राम मैम।